हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में इमल्शन का रेजिड्यू इवेपोरेशन मेथड से निकालेंगे एज पर IS 8872018। तो ये देखिए, हमारे पास ये तीन बीकर हैं और ये तीन लॉस राड्स हैं और ये हमारा इमल्शन का सैंपल है, वो SS1 है और ये बैलेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे बीकर हैं उनको वेट करेंगे ग्लास राड्स के साथ साथ। वेट आया है 317.120 ग्राम। अभी हमने इसको नोट कर लिया है। ऐसे ही दूसरे बीकर को ग्लास राड के साथ इसको वेट करेंगे। तीन सौ बारह पॉइंट थ्री टू जीरो ग्राम। तीन सौ ग्यारह पॉइंट टू सेवन जीरो ग्राम भी हमने इसको लिख लिया है। अभी क्या करना है, आपको इमल्शन 50 ग्राम लेना है। इसको टेयर कर लीजिए। 50 ग्राम इमल्शन आपको इसमें डालना है। 50 प्लस माइनस 0.1। ऐसे ही तीनों बीकर में 50 ग्राम ले लेंगे। टियर करना मत भूलिएगा। पचास ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आप निकाल लीजिएगा ड्रॉपर से। डाली है कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको बीकर को रॉट के साथ 163 डिग्री प्लस माइनस 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए ओवन में रख देंगे।
तीनों को ओवन में रखेंगे 163 प्लस माइनस 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में रखना है। स्टॉप वॉच चला दिया है हमने। बस इसी को लेना है। 2 घंटा हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि ओवन से निकाल के कायदे से उसको स्टिर करेंगे, इससे कि कोई अगर बबल या एयर वो निकल जाए। अब इसको ओवन में 1 घंटे के लिए फिर से रखेंगे। एक घंटा हो गया, पहले 2 घंटा रखा था, फिर 1 घंटा और जोड़ के यानी 3 घंटा हमारा हो गया। अब इसको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये तीनों बीकर को रॉड के साथ एक-एक करके वेट कर लेंगे। एट फिफ्टी, ठीक है 820 हो गया। सेवन टू जीरो अभी हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। रेजिडू परसेंटेज इक्वल टू 2C-B। सी क्या है? मास ऑफ बीकर प्लस रॉड प्लस रेजिडू, और बी क्या है? मास ऑफ बीकर प्लस रॉड। तो क्या करेंगे? इक्वल टू 2 × 349.4 माइनस 317.12। आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2 × 32.28 इक्वल टू 64.56। ऐसे ही आप तीनों को निकाल लेंगे तो 64.56, 65 और 64.90।
इन सभी का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने पर आ जाएगा 64.82। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।